ये घोड़े क्यों लगे हुए यहाँ पे? 200 काहे के लिए? जाने ऊपर बोल बद्री विशाल की। सवाल है दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे। आपको पता है हम हैं केदारनाथ बद्रीनाथ दो धाम यात्रा पे। आज दूसरा दिन है हमारा बद्री केदारनाथ धाम यात्रा का, तो चैप्टर 3 आज शुरू हो रहा है और शुरुआत हो रही है श्रीनगर से। प्यारी मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और अभी नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ से जाने वाले हैं इष्ट देवता श्री शिकारनाग महाराज जी की पालकी के पास। के बाद हम साथ साथ में चलने वाले हैं पालकी के साथ, धारी देवी माता रानी मंदिर है वहाँ जाने वाले हैं। उसके बाद जो प्लान आगे चेंज होते रहेंगे उस हिसाब से मैं आपको ब्लॉग में बताता रहूँगा। अभी आ चुके हैं जहाँ पे अपने हमारे रात को रुके थे ना, वहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ से अभी तैयारी हो रही है धारी देवी जाने की। ढोल धमो की आवाज़ आप सुन सकते। उसके बाद हम धारी देवी जाएंगे, अच्छा। वहाँ पे माता धारी देवी का दर्शन करेंगे, उसके बाद जो शाम का जो हमारा स्टे रहेगा वो तिरुपति नारायण। की ऐसा कुछ रोड मैप रहने वाला है, गाड़ी अपनी ये रही, इसलिए शिवानंद महाराज चल रहे हैं अभी धारी देवी माता रानी मंदिर के पास। चल रहे हैं प्रवेश और नृत्य के अभी बाइक के ऊपर तो आ रहे हैं पीछे से, बाकी धारी देवी मिलते हैं उनसे। कैसी रही यात्रा? यात्रा बढ़िया रही, एकदम फर्स्ट क्लास। महाराज जी की कृपा है। पहली बार आ रहे आप? मैं इतना बता, मेरा भी पहली बार है कि मैं यहाँ पे वीडियो बहुत देखा हूँ। मैं भी मतलब दूसरी बार हूँ लेकिन मंदिर पहली बार जा रहा हूँ। एक बार दर्शन करे थे रोड से लेकिन मंदिर में पहली बार जा रहा हूँ। भैया घोड़े क्यों लगे हुए यहाँ पे? काहे के लिए? जाने ऊपर भाई साहब, देख रहे हो मतलब यहाँ से मतलब ऊपर मेन रोड से और यहाँ तक के लिए भी घोड़े इतने सारे फोन कर रही थी मतलब मतलब मैं कहीं और नहीं कहता रात के लिए। कितना गुस्सा कर रही बहुत गुस्सा कर यार। तो आज हम ताई जी के पास ही घुसने वाले हैं भाई, क्योंकि ताई जी ने सुबह से इतने फोन कर दिए, बहुत सारे फोन करके हम कहीं और किए हुए थे, बाकी आज तक नहीं। दर्शन करके आते हैं ना, तो दर्शन कर लेते फटाफट से, जाते जाते प्रसाद भी ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे कुछ प्रसाद है ले लिया है माता रानी के लिए चढ़ावा। ठीक है, इसमें श्रीफल है, चुन्नी है और बाकी थोड़ा बहुत प्रसाद होगा। जैसे कि आप सभी भाइयों को पता है कि धारी देवी माता रानी बीच नदी में है और बीच झील के बीचों बीच में धारी देवी माता रानी का मंदिर है। सामने लिखा हुआ है कि मूर्ति की फोटो खींचना मना है, कि हर जगह होता है भाई, किसी भी आप बड़े मंदिर में जाओ, बड़े धाम में कहीं भी जाओगे तो हर जगह लिखा रहता है कि यहाँ फोटो खींचना वर्जित। इसको ना धक्के मार के लाना पड़ता है भाई बार बार, कब से देख रहे थे हम और हम सोच रहे थे कि इसमें हमें ना जाना पड़े और ऐसे ही। कहाँ से भाई जी आप? उत्तरकाशी। अच्छा उत्तरकाशी, हमें तो उत्तरकाशी लोग कर लेता हूँ। तो फिर तो गढ़वाली आती है आपको? आती है तो फिर हम भी तो गढ़वाली भाई भी उत्तरकाशी से, हम भी उत्तरकाशी से, हम परोला से हैं। और आगे से नजारा दिखाएंगे हम पीछे का। जहाँ से शुरू किया वहीं खत्म। अच्छा हो गई है, बढ़िया।
भाई जी है तो नहीं कुछ और मेरी छातिया घुमाता है। चलो जी पहुंच चुके हैं, ये देखो जी धारी देवी से निकलने के बाद हम आ चुके हैं आगे और केदारनाथ गौरीकुंड और गुप्तकाशी। तो हमें इस रूट को जाना ही नहीं, बद्रीनाथ भी हमें जाना है लेकिन हम पहले जा रहे हैं केदारनाथ। तो धाम की यात्रा है बद्री केदार की, तो पहले केदारनाथ जा रहा है उसके बाद हम बद्रीनाथ जाएंगे। बहुत नसीब के बाद पानी मिला है, वो भी ठंडा पानी। मौसम इतना गर्म हो रहा है ना भाई, पूरा शरीर दुखा हुआ है। रात को आज पूरे रात भर एडिटिंग करी व्लॉग की दोस्तों, जो हमारा पहला दिन का जो पार्ट था फर्स्ट एपिसोड का, और रात को 1 बजे तक करा, उसके बाद सोया, फिर 4 बजे फिर से उठ गया, मुश्किल से 2 घंटे सोया रात को, फिर 4 बजे उठ के दोबारा एडिट करा। राइड तो भाई ऋतिक ही कर रहा है, कल से घर से निकला हूँ ना, मैंने राइड नहीं करा है भाई। और बीच बीच में मैं गाड़ी पर बैठा था फोर व्हीलर में, प्रवेश की सीट की जगह प्रवेश बाइक पर आया था। और अभी हम आ चुके हैं अगस्त मुनि के आसपास। अभी अगस्त मुनि मार्केट है कि अगस्त मुनि गांव है या अगस्त मुनि का इलाका है, लेकिन अगस्त मुनि करके वहां पे लिखा हुआ था। पूरा ऑफ रोड आ गया भाई, और यही ऑफ रोड की वजह से ना पूरा धूल हो जाता है। ये आ चुके हैं गुप्तकाशी में और यहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, थकान तो बहुत तगड़ी हुई है, ठीक है। बाकी खाना यहाँ पे लग चुका है, ऋतिक की बहुत बुरी हालत है। और मेरे को ना गाड़ी चलाते चलाते भी नींद आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पेन बहुत कर रहा है। खाना खाने के बाद एक बार फिर से निकल चुके हैं अपने टूर के लिए आगे, और 10-15 किलोमीटर और जाना है हमें, और फिर हम त्रिशूल नगर पहुँच जाएंगे। गाड़ी चेक करो भाई, ओवरटेक कर रहा है ये बंदा, लेकिन पूरा ओवरटेक कर रहा है। किस्मत अच्छी है भाई, किस्मत अच्छी है उसकी, वो हमें भी ओवरटेक कर रहा है, आगे जाने क्योंकि वो ओवरटेक कर रहा था बार बार। जहाँ से हम जा रहे हैं ना एक कॉलेज बाजार है, अभी मैंने वहाँ पे देखा था, मुझे नहीं पता मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे ना भाई नीले कलर के बड़े बोर्ड में लगा हुआ था, जैसे कि हर गांव का लिखा हुआ रहता है शहर मार्केट का, तो ये है कॉलेज बाजार, देख रहे हो भाई। पहली बार मतलब पता चला कि कॉलेज बाजार भी होता है कोई कॉलेज, कॉलेज को कॉलेज सोचते हैं लेकिन कॉलेज बाजार भी है भाई। बाबा केदार के धाम जाते जाते हमें रास्ते में ना बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखने को मिल रही है, और एक खूबसूरत चीज हमारे सामने है। हमने काफी हाइट में आ चुके हैं और बहुत करीब है बाबा केदार के, कल सुबह हम चढ़ाई कर देंगे बाबा केदार के धाम के लिए। त्रिशूल की नारायण में आज रुकने वाले हैं, हो सकता है कुछ प्लान चेंज हो जाए कल की तरह, क्योंकि कल हमें रुकना था घनसाली और हम रुके श्रेणी। प्रॉब्लम्स अभी थोड़ी ऑफ रोडिंग की आ रही है ना, वो आपको पता ही है दोस्तों कि मतलब टू व्हीलर में कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, वो तो बाबा केदार की कृपा है दोस्तों कि बारिश अभी देखने को नहीं मिली हमें। हो सकता है कि हम जब पैदल चढ़ाई शुरू करें तो हमें बारिश भी देखने को मिल जाए, और वो भी एक बाबा केदार का आशीर्वाद के रूप में हमें मिलेगा। बीच बीच में ऑफ रोड भी शुरू हो रहा है अपना, लेकिन थोड़ा थोड़ा कैश मिल रहे हैं, 5-5-10 मीटर के हैं, ज़्यादा नहीं है। पीजी होटल करके सीतापुर, तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में मैं अभी, और ये मार्केट भी शायद हो सकता है सीतापुर मार्केट हो, वो बड़ी बहुत बड़ी पार्किंग है नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ, एंकर पार्किंग है भाई। चेक दिस आउट भाई, पार्किंग देख रहे हो, बहुत तगड़ी पार्किंग है भाई, नज़ारा देखो। फोर व्हीलर गाड़ी है ना, पूरा बैक आ रही थी भाई चढ़ाई पे, टकराने वाली थी पीछे आके, और अभी हम जस्ट थोड़ा और ऊपर आए ना, तो थोड़ा सा जंगल का मस्त इलाका लग गया है, और ठंडा भी महसूस हो रहा है, क्योंकि आसपास आप देखोगे ना बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे, पूरे तरीके से ना एक जंगल के बीचों बीच आ चुके हैं हम। अगर आपको मेरे आसपास का नज़ारा देखने को मिल रहा होगा ना, तो पूरा एक जंगल जैसा, जैसे हमारे जंगल होते हैं ना दोस्तों गाँव के, अब जाके लग रहा है कि हम अपने पहाड़ में कहीं घूम रहे हैं, कि हम अपने पहाड़ में ट्रैवल कर रहे हैं कहीं। हमारे यहाँ जंगलों में ना बांध के जो पेड़ होते हैं ना, वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, धाम का इलाका बना हुआ है ना, कुछ
वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रखा है। ये पूरा मतलब ना बहुत प्यारा इलाका है, जैसे पहाड़ी इलाका होता है हमारा, प्योर पहाड़ी इलाका। 1.5 किलोमीटर और जाना है त्रिलोकी नारायण के लिए और उसके बाद हमें सब लोग मिल जाएंगे और उसके बाद सारा सफर हम देव डोली के साथ ही करने वाले हैं, जो हमारी श्री शिकार महाराज की देव डोली।